बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। दरवाजे पर खड़ी 4 साल की मासूम बच्ची की गोली मारकर हत्या। आखिरकार बच्ची से कैसी दुश्मनी। बिहार में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए हैं। दरअसल ताजा मामला दानापुर से सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में घर के बाहर निकली एक 4 साल की मासूम बच्ची की बेखौफ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरी घटना बीती रात रूपसपुर थाना क्षेत्र के रामजयपाल नगर स्थित अपर्णा कॉलोनी की है। इस संबंध में मसौढ़ा पालीगंज निवासी मृतका अनुष्का कुमारी के पिता हरिओम कुमार ने स्थानीय थाने में अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बेटी की हत्या से बच्ची के माता पिता सदमे में हैं, तो वहीं अभी तक बच्ची की हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इस पूरी वारदात को लेकर पीड़ित परिवार ने बताया कि वो एमआर का कार्य करते हैं और वो राज्यपाल नगर रोड नंबर 4 में मनोज सिंह के मकान में किराएदार के रूप में रहते हैं। सोमवार की रात वो IGMS से अपना कार्य खत्म कर लौटे। उनके हाथ में दूध का पैकेट था। इस दौरान घर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो बेटी अनुष्का भी वहीं मौजूद थी। वो दूध का पैकेट पत्नी को पकड़ा बाइक अंदर रखने लगे। पत्नी भी दूध अंदर रखने चली गई और बेटी अनुष्का बाहर ही रह गई। तभी गोली चलने की तेज आवाज आई और बच्ची के माता पिता बाहर आए तो देखा कि उनकी बेटी खून से लथपथ पड़ी हुई है। परिजन फौरन बच्ची को लेकर पास स्थित एक निजी अस्पताल भागे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि बच्ची का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। घर के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही हमलावर का पता चलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 1/7/24 को रात्रि करीब 12 बजे शास्त्री नगर थाना के द्वारा सूचना दी गई थी। पोलिस प्रोमिस अस्पताल पटेल नगर में 1.5 वर्षीय बच्ची को गोली लगने से चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पोलिस प्रोमिस अस्पताल पहुंचा तो देखा कि 3.5 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम अनुष्का कुमारी, पिता हरिओम कुमार, साकी रामजयपाल नगर रोड नंबर 4 थाना रूपसपुर जिला पटना वर्तमान पालीगंज के रहने वाले हैं। इनके द्वारा आवेदन दिया गया कि अज्ञात के द्वारा ऐसा घटना कारित किया गया है। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान एवं जांच की जा रही है। अज्ञात के पहचान स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि अभी तक इस पूरी वारदात का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।